इंसान है क्या है? देखो कितनी बेइज्जती कर रहे हैं, कितनी प्यार से बनाया मैंने, कम से कम थैंक यू तो बोल रहे थे। कितने प्यार से बनाया मैंने इनके लिए, देखो अपना बदलेगा काम फटाफट निपटा। गाइस हमने खिचड़ी, ओ सॉरी पुलाव, यहाँ पे रखी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग, होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ मस्त और जहाँ होंगे जबरदस्त होंगे। सो आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है महावीर जयंती और आज है हमारी छुट्टी, तो मैं हूँ आज घर पे। आज आपको घर का पूरा वो दिखाएंगे कि क्या क्या करते हैं हम घर में। तो अभी हम उठे और जो कि है मम्मी और पापा मेरे आज मार्केट जा रखे हैं, मैं और बब्बी और गोलू हैं, तीनों के तीनों, हम तीन हम घर पे हैं, दो हम मम्मी और पापा जा रखे हैं मार्केट। तो मार्केट में आज का पूजा है थोड़ी छोटी मोटी, तो मम्मी पापा लोग जा रहे हैं मार्केट। बाकी आप लोगों को गांव का नज़ारा दिखाते हैं अभी का। तो अभी का नज़ारा कुछ इस तरीके से है और आसमान आज बदला हो रखा है, मतलब कि आज धूप के दर्शन नहीं होने वाले हमें। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर से धूप निकल रखी है बट वो भी बादलों के पीछे से हल्की सी रोशनी आ रही है। तो ये कुछ आज का माहौल, और बारिश का पता नहीं है अभी कि बारिश कब तक आएगी या आएगी नहीं आएगी, कुछ पता नहीं। जो भी होगा आज आप लोग इस व्लॉग में पूरा देखोगे, पूरे दिन का पूरा दिनचर्या, आज का दिन हमारा कैसा बीतेगा। तो मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। तो हाँ जी, अभी टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं और बाहर भी हल्की फुल्की धूप लग चुकी है, और मैं बना रहा हूँ आज पता क्या, मटर, और उसके साथ घर के चावल हैं, घर का चावल बोलते थे ना, तो इनका बनाने वाला हूँ मैं पुलाव। झटपट से बनाते हैं पुलाव, मिलते हैं आपको बाद में। बब्बी के आने से पहले पुलाव बनाना है, नहीं तो मैंने आज गाली खानी है बहुत तगड़ी वाली। तो भाई अभी अपना पुलाव कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो मारते हैं इसमें दो सीटी, उसके बाद अपना पुलाव हो जाएगा रेडी और फिर यम यम करके हम खा लेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और उसके बाद मार देंगे इसमें सीटी। ये देखो भाई, दिखने में तो काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है, अब वो तो बाद में ही पता चलेगा कि खाने में कितना स्वादिष्ट है। तो डालते हैं इसमें फटाक से पानी, उसके बाद सीटी मरवाते हैं और फिर करेंगे यम यम करके खाएंगे। तो भाई ये देखो, आज बब्बी मजे मार रही घर में। क्यों, काम नहीं किया मैंने आज? कोई नहीं है ना, अपना बदलेगा काम फटाफट निपटा। गाइस हमने खिचड़ी, ओ सॉरी पुलाव बना लिया है, बब्बी ने कुछ नहीं किया आज। अच्छा, कनेल तो होंगे ये हमारा छुटकू मुटकू गोलू, अभी नंगा हो रखा है, इसने मुंह दिया था सुलार में और जस्ट अभी उठा है ये। तो गाइस अभी का नज़ारा देखो, अभी धूप लग चुकी है आसमान में और बादल देखो खतरनाक चारों ओर से। यहाँ पे रखी हमने कंडाली, जिसे बोलते हैं बिच्छू घास, तो ये भैंस के लिए चारा है, इसको मतलब लाते हैं और उसके बाद कूट के, ताकि इसके जो वो होते हैं ना कांटे होते हैं जो खतरनाक वाले लगते हैं वो ख़त्म हो जाए, तो कूट के कुछ इस तरीके से चटनी बना के उसके बाद सुखाने डालते हैं, फिर शाम को इसको भैंस को देते हैं। तो यही कुछ है आज दिन भर की हमारी, वो बाकी आगे अभी और भी बहुत कुछ है। तो गाइस फाइनली हमारा पुलाव हो चुका है तैयार, और कलर थोड़ा वैसा है, आप सोच रहे होंगे ऐसा कलर ऐसा क्यों आ रहा है। तो ये जो है ये हमारे घर के चावल थे, मतलब हमारे नहीं कहीं सारे थे घर के चावल, इसको हमने पुलाव बना रखा था, पहले खड़े। और हरा कलर कुछ इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि इसमें धनिया ज़्यादा डाल रखा था मैंने, धनिया और मेथी के पत्ते हरे हरे। ये देखो कैसे देख रहा है बंदर, तू भी खाएगा? खाएगा। तो गाइस मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद, पहले खा ही लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 8:42 और चांद देखो कितना प्यारा आ रखा है आज, जबरदस्त, और सामने के गांव की लाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है देखो। तो
तो गाइस टाइम मैंने आपको बता दिया, 8:42 हो रहे हैं का, आज काफ़ी प्यारा चांद आ रहा है और आज है नेक्स्ट डे। कल का जो डे था उसके बाद खाना खाने के बाद ना पूरे रात भर, मतलब रात होने होने तक पूरी बारिश थी और रात को भी बारिश लगी हुई थी। तो कुछ इस तरीके से कल का दिन और आज का दिन है कुछ इस तरीके से। तो अभी हम बैठे हैं अपने किचन में और दिन में मैं यार थोड़ा काम में बिजी था, सुबह मार्केट गया, मार्केट से आगे दिन थोड़ा कुछ काम में बिजी था तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, कहीं जाना नहीं हुआ। तो अभी हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं और अभी का हाल है हमारा ये। तो बब्बी ने जैसे ही मैंने कैमरा खोला ना, बब्बी ने तुरंत फ़ोन ना उधर साइड में रख दिया, नहीं तो अभी तक गेम चल रहा था मज़े से। और यहाँ पे ये देखो, ये आटा गूंथ के रखा है और सब्जी चूल्हे पे चढ़ा रखी है, इधर सब्जी चूल्हे पे चढ़ा रखी हमने। अरे देखो कितनी जल्दी हुई काम की हड़बड़ी लगी, देखो नहीं तो अभी तक देखो, वहाँ देखो फोन, देखो फोन में अभी तक लाइट जली हुई है। ये देखो फिर से चिपक गए। तो क्या बोलना चाहते हो यूट्यूब फैमिली को? यूट्यूब फैमिली को क्या बोलना चाहते हो? नमस्ते सबको। और बस आशीर्वाद देता हूँ आपको। आज हमारी बन रही है आलू गोभी और मटर, तीनों चीज़ मिक्स कर रखे हैं, उसकी सब्जी बन रही है। सामने आटा ओल रखा है, बाकी घरों में ये सब गंदगी होती रहती है। अगर बीवी काम की ना हो ना तो ऐसे काम तो होते रहते, देखो सफाई के नाम पे तो क्या बोल रहे थे। गेम खेलने का टाइम है, ये साफ करने का टाइम नहीं है। वो तुमने फैलाया, मैंने थोड़ी ना फैलाया। तो गाइस मजाक कर रहा हूँ, वो मैंने ही फैलाया था क्योंकि सब्जी बनाने की ड्यूटी मेरी रहती है, हो जाता है। अभी थोड़ी देर में कर लेंगे उसे साफ। और मम्मी गोलू और पापा हैं ऊपर कमरे में, बोले तो मझूला टीवी देखने जा रखे हैं और हम दोनों लगे हुए हैं यहाँ चूल्हे झोंकने पे। तो अभी थोड़ी देर में रोटी बनेगी, उसके बाद रोटी बनाते हुए दिखाता हूँ आपको मस्त सिनेमेटिक शॉट। तो पब्बी बना रही है अभी रोटी गर्मा गर्म तवे में। अभी बना रही, पूरी बना दी अभी बना रही मैं। अभी बना रहे हो? तो गाइस जब फोन में बिजी हो गया था तो फोन देखने पे लग गया था, तो पब्बी रोटी बना के बिल्कुल यहाँ देखो, अब तीन रोटी बज रही, एक हाथ में चार, एक एरी पाँच। और इधर चल रही हमारे चूल्हे में गर्मा गर्म आग। क्या बोलना चाहोगी गर्मा गर्म आग के बारे में? अभी कुछ नहीं आ रहा। ना अंदर मत दबाओ ने। है ही नहीं तो क्या बोल रहे? बाहर नहीं फेंक रही, गर्मा गर्म ही तो होता है, चूल्हा गर्म नहीं होता? तो गाइस चूल्हा गर्म ही तो होता है ना, ठंडा थोड़ा ना होता है तुम्हारे लिए, तो ठंडा ही होता है। और ना ना बोलो 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 तो अब बुलाते हैं मम्मी औरों को और पापा को खाना दे जाएंगे, फिर हम लोग यहीं पे खाएंगे। पहले मम्मी और को बुलाते हैं, फिर आज मैं तुम्हारे लिए एक रोटी का कुछ बनाऊंगी। क्या बनाओगे भाई? मैं लाज एक रोटी का स्पेशल कुछ बनने वाला है, दिखाते हैं आप लोगों को क्या बनेगा। अभी नहीं ना रुको, अभी बचा है। बचा है तो गाइस पहले रोटी बनने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बन रहा है। मैं लाज स्पेशल दिखाते हैं जल्दी से। तो भाई अभी फाइनल रोटी बची, अब इसका स्पेशल क्या बनने वाला हमारे लिए, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कि क्या बनेगा मेरे लिए फाइनल। तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तुमने देख लिया है? क्यों नहीं देखना है? हमने भी देखा, हम भी देखेंगे। ना 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 भी नहीं देखना, जब मैं बना दूंगी तब देखोगे, बताओ पहले, वरना मैं नहीं बनाऊंगी। चलो गाइस बनने के बाद ही देखते हैं क्या बनता है। रुको अभी दो सिंग भी बनाने आपके। ये हो गया आपके सिंग। तो गाइस अब खोल दो।
मेरी शक्ल बनाई जा रही रोटी पे देखो। तो गाइस खानी जी मैंने इतने प्यार से बनाए, ये देखो कितनी बेइज्जती कर रहे हैं, कितने प्यार से बनाए मैंने, कम से कम थैंक यू तो बोल देते। रोटी जल गई यहाँ चूल्हे में, हेलो गाइस बनाने के चक्कर में रोटी भी जला दी, खाओगे आप? दो नुकसान कर दिए एक के साथ। इसको आप खाओगे? यार देखो गाइस रोटी की क्या हाल बना रखे, तो भाई ऐसी ऐसी रोटी बनाई जाती है हमारे, क्या करें आप, खानी तो पड़ेगी। इसीलिए बोलते हैं बीवियों को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, बीवियां सर पे नाचने लगती हैं। ये देखो कितना अच्छा बना। क्यों गाइस सही सही बोल रहा हूँ ना, ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, सर पे नाचने लगती है। तो आप ना नचवाए, क्या बोला आपने, क्या बोला आपने? बोलो? मैंने कहा बीवियों को छोड़ देनी चाहिए ताकि वो सर पे ना सके। लो तुम्हारा मुंह, अब नहीं चलेगा। तो गाइस मेरी जितनी भी खुंदस है ना रोटी पे उतारी जा रही है, रोटी पे चाकू चलाए जा रहे हैं। कैसा बुद्धू इंसान है ये, क्या है? हाथ में। सो गाइस आज की वीडियो इतनी थी, मम्मी और को बुलाते और खाना खाते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जितनी बेइज्जती होने थी मेरी वो हो गई। माँ माँ आओ, तो अभी मम्मी और गोलू नीचे आएंगे, पापा ऊपर ही रहेंगे, पापा के लिए ऊपर खाना लेके जाएंगे। और बस यही कुछ था आज का नज़ारा, तो होप करता हूँ आप लोगों को ये मजाक मस्ती है और डेली लाइफ का रूटीन आप लोगों को पसंद आया होगा। और पसंद आएगा तो पता क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, प्यारा सा कमेंट करना, प्यारा सा नहीं आता होगा गंदा सा भी कमेंट कर लेना, फिर इतना गंदा मत करना कि मैं पढ़ भी ना पाऊँ। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बताओ कितने प्यार से बनाए मैंने इनके लिए, देखो। अच्छा कलाकार देती हूँ ना गाइस मैं, इसलिए मेरे को कला में अवार्ड मिलना चाहिए। मम्मी को दिखाओ जरा, रुको ना बन ले दो उसको, मम्मी का एक तो देखते हैं गाइस रोटी में मम्मी का रिएक्शन, या तो डांट खाएंगे या फिर अवार्ड मिलेगा। ये हमारा ईशान गुल्लू मुल्लू है ना, गुल्लू नहीं नोनी है अब ना 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 पकड़ नहीं चू ना 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 अंधे किधर हूँ। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और गोलू मोलू सब आ चुके हैं, ये देखो ये देखो इसके करम देखो, करम इसे करम देखो, इसको धनिया इतना इसको धनिया इतना पसंद है ना, ये धनिया सीधा मुंह में डाल के चबाने लग जाते। देखो यार ये धनिया का प्रिया है, इसको धनिया चाहिए खाने के लिए है ना। लो मेरा प्यार पति देव जी, यहाँ देखो ये क्या बोलेगा, क्या बोले, यहाँ देखो इसको धनिया दे दिया तो अभी धनिया छोड़ेगा, ये देखो गिरा दिया सारा। हेलो तो बताओ किस किस के घर में इतने छोटे छोटे बच्चे और शैतानी करते हैं। और मिस्टर जी ये देखो कितनी अच्छी रोटी बना रखी है मैंने। हाँ तो गाइस ये मत सोचना मैं ऐसे फटी फटी रोटी बनाती हूँ, ऐसे भी बनाती हूँ।